इसके अलावा आसियान इंडिया सम्मेलन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है जिससे ये विवाद उत्पन्न हो गया है तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ़ भारत लिखना क्या गलत है इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है भारत नाम की ऐतिहासिकता क्या है और इंडिया नाम का इतिहास क्या है और इससे संबंधित हर उस विषय पे जो कि यूपीएससी के लिए ज़रूरी है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जी ट्वेंटी के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना क्या गैर संवैधानिक है तो यह गैर संवैधानिक नहीं है भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है इसके आर्टिकल वन में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स संविधान की हिंदी कॉपी में भी लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों ही है इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक भी है अगर इन दोनों नामों के इतर कोई हिंदुस्तान आर्यव्रत या जम्बूदीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर एक परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया है इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए ना कि संविधान के उल्लंघन के रूप में दूसरा है कि अगर ये गैर संवैधानिक नहीं है तो इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है ये कंट्रोवर्सी सिर्फ राजनीतिक है इंडिया नाम को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब विपक्ष की 28 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया इसमें अलायंस का नाम आई INDIA, अर्थात इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया जिसे शॉर्ट में इंडिया भी कहा गया अब हम बात करेंगे कि आज़ादी के बाद संविधान सभा में भारत के नामों पर जो चर्चा हुई थी उसके बारे में ठीक चौहत्तर साल पहले 18 सितंबर उन्नीस को संविधान सभा में एच वी कामत ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव पेश किया था इस पर बहस भी हुई हालांकि यह वोटिंग के बाद गिर गया था संविधान सभा की बहस के दौरान संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ जैसे ही अनुच्छेद एक पढ़ा गया इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आए फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के दो नाम इंडिया और भारत थे इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया एक अन्य सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों महाभारत कुछ पुराणों और चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए अब हम बात करेंगे कि भारत का ओरिजिन कहां से हुआ और कैसे यह चलन में आया प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं जैसे जम्बू द्वीप भारत खंड हिमवर्ष, अजनाब वर्ष भारतवर्ष आर्यवर्त, हिंद हिंदुस्तान और इंडिया हालांकि इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है पौराणिक काल में भरत नाम के कई रेफरेंसेस मिलते हैं जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत जिनका जिक्र महाभारत में भी है महाभारत में भरत को सोलह सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र आता है ऋग्वेद की एक शाखा इत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क है इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है इत्रेय ब्राह्मण में इसका जिक्र भी है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेघ यज्ञ किया जिसके चलते उसके राज्य को भारतवर्ष कहा गया मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का जिक्र मिलता है कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा इसी प्रकार विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि जो समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है और हम उसकी संताने हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया नाम और उसकी उत्पत्ति के बारे में सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जाना जाता है इंडस शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है यूनान के इतिहासकार हेरोटॉस ने 440 सौ पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती है वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के अनुसार 300 सौ ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मैक्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था अब हम बात करेंगे हिंद और हिंदुस्तान शब्द के इतिहास के बारे में हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है 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 माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग सै को है बोलते थे इसलिए सिंध बन गया हिंद आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान दो सौ ईस्वी में ईरान के सासानी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्ष ए रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख है यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता था अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा और तुर्की के आक्रमणताओं दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग का हिंदुस्तान के रूप में उल्लेख किया इतिहासकार इयान जी बेरो ने अपने आर्टिकल

इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे 1857 ईस्वी तक भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में थे इसी समय इंडिया नाम का इस्तेमाल देश और दुनिया में तेजी से बढ़ा अब हम बात करेंगे नाम बदलने के संवैधानिक प्रावधान के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक इंडिया और भारत दोनों नामों को मान्यता देता है नाम बदलने के लिए संसद में संशोधन बिल लाना होगा अनुच्छेद तीन के तहत दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरूरत इसके लिए होगी यानी लोकसभा के तीन राज्यसभा के एक सदस्यों का समर्थन इसके लिए चाहिए होगा अब हम बात करेंगे कि अगर इंडिया नाम समाप्त होता है तो इसमें चुनौतियां क्या है अगर इंडिया नाम हटा दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थानों तक इसे बदलना पड़ेगा मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसी तरह तमाम वैश्विक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में इंडिया का नाम हटाना होगा वहां पर भी ये संशोधन करने होंगे इससे पहले भी इस तरीके के कई प्रयास हो चुके हैं जैसे कि दो में कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नायक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद एक में और संविधान में जहाँ जहाँ इंडिया शब्द उपयोग हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए उन्होंने इस मौके पर भारत माता की जय के आज़ादी के नारे और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा गीत भी गाया था उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है जबकि भारत से ऐसा नहीं होता शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं इसके अलावा जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई इसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की गई याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद एक में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत किया जाए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था कोर्ट ने कहा था कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है संविधान में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं इसके साथ ही आज का हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ धन्यवाद Don't forget to like, share, and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.